एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक के नानपुर गांव में पहुंचा। लगभग 4500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में गांव के प्रधान अशोक कुमार हैं। लगभग 2400 वोटर वाला यह गाँव विकास की राह पर अग्रसर है। बात अगर गाँव में आने वाले लाभों की करें तो ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों को सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वहीं बात अगर शिक्षा की करें तो गाँव के प्राइमरी पाठशाला में 300 बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में एक जूनियर हाई स्कूल नहीं है जिससे गांव में शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। वहीं ग्राम प्रधान ने गांव में 39 हैंडपंप 80 विद्युत पोल वे 4 बिजली के ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड तथा शौचालयों का निर्माण भी कराया है। वहीं ग्राम प्रधान की सरकार से मांग है कि उनके गांव में शमशान घाट का निर्माण कराया जाए, बेतालाब की बाउंड्री करवाई जाए एवं गांव में सड़कों का निर्माण कराया जाए। वहीं ग्राम प्रधान ने कहा गांव में शिक्षा स्थिति सुधारने के लिए जल्द से जल्द एक जूनियर हाई स्कूल निर्माण कराया जाए। मैं आकाश कुमार, ग्राम प्रधान पुत्र, ग्राम पंचायत नानपुर, श्री अशोक कुमार जी का पुत्र। हमने ग्राम मिलक नानपुर व ग्राम नानपुर में सीसी टाइल्स और नाला निर्माण जैसे कार्य कराए हैं और जैसे प्राथमिक विद्यालयों की बाउंड्री वगैरह भी कराई है। हमारे मिलक नानपुर में बाउंड्री नहीं थी बहुत समय से, वो भी हमने कराई है हमारे कार्यकाल में, और टाइल्स कराई हैं और जहां लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी उस जगह पर भी टाइल्स का कार्य कराया है। और जैसे कुछ सफाई के कार्य होते हैं उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, और जैसे तालाब की गंदगी होती है उसे दूर करने की समस्या पर भी ध्यान दे रहे हैं, और हम उसे बाउंड्री भी कराना चाहते हैं। और हमारे गांव में अभी कब्रिस्तान की जो बाउंड्रियां हैं उनकी मरम्मत कराने के लिए कुछ कमियां आ रही हैं, उसे भी हम ठीक कराना चाहते हैं। और ये हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं शमशान घाट नहीं है, उसका भी निर्माण कराना चाहते हैं। मेरा नाम विकास है, मैं नानपुर में लगकर रहने वाला हूँ, वहीं का निवासी हूँ। हमारे यहाँ के प्रधान जी ने बड़ा अच्छा काम करा है, जैसे कि टाइल्स हैं, सौर ऊर्जा लगा हुआ है, और आप देख रहे हो कि कुएं की बाउंड्री कराई है, स्कूल की बाउंड्री कराई है, काफ़ी अच्छा काम करा है। और हमारे यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ों की समस्या, जैसे आवास की समस्या, हमारे पे आवास की समस्या है जो आवास अभी आया नहीं है, और शौचालय हमारे यहाँ पे अभी नहीं बन पाए हैं। वैसे भारतीय युक्त हो चुका है पर हमारा गाँव अभी नहीं हुआ है, और काफ़ी अभी विकास के लिए ज़रूरत है। और प्रधान जी हमारे यहाँ के कर रहे हैं अभी उसमें विकास के लिए, हमारे यहाँ का बाजार है उसमें भी कार्य लगे हुए जुटे हैं, स्कूल की बाउंड्री है, स्कूल की साफ़ सफाई पे भी ध्यान देते हैं। सबसे पहले साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं हमारे यहाँ के प्रधान जी, सुबह हमारे यहाँ पर सफाई हो जाती है और काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। मैं इसीलिए अपने प्रधान जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ पर आवास की और लैटरों की ज़रूरत है, उसे पूरा करें।